चंडी मंदिर टांडा में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई के सिर में गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटनाक्रम शनिवार रात्रि करीब 12 बजे का है। उक्त मामले की शिकायत मृतक युवक अजीत सिंह आयु करीब 25 वर्ष की मां अमरजीत कौर ने चंडी मंदिर थाना में दर्ज करवाते हुए बताया कि वह मकान नंबर 424 चुन्ना भट्टी चंडी मंदिर की निवासी है और मेरे पास दो लड़के एक लड़की व मेरे बड़े लड़के का नाम सतनाम सिंह व छोटे लड़के का नाम अजीत सिंह है और मेरी लड़की शादीशुदा है व मेरे दोनों लड़के कुंवारे हैं। अमरजीत कौर ने अपनी शिकायत में बताया कि शनिवार रात्रि करीब 9 बजे मेरा बड़ा बेटा सतनाम सिंह अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो अपने कमरे में बैठ गया और थोड़ी देर बाद मेरा छोटा बेटा अजीत सिंह घर पर आया तो अजीत सिंह को शक हुआ कि उसका भाई सतनाम सिंह व उसका दोस्त घर पर शराब पी रहे हैं तो उसने अपने बड़े भाई सतनाम से कहा कि आप दोस्त को घर पर शराब मत पिलाओ क्योंकि पिताजी ने मना किया हुआ है और वह इतना कहकर अपने पिता के पास दूसरे पास के मकान में चला गया और थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा बेटा सतनाम सिंह भी अपने दोस्त के साथ खाना लेकर अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बाहर चला गया जो कि एक घंटे बाद वह घर पर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा दी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा सतनाम सिंह काफी गुस्से वाला है इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी तो सतनाम सिंह ने थोड़ी देर बाद मुझे आवाज लगाई और कहा कि कुंडी खोल दो मेरे मामा के लड़के आ रहे हैं और जिसको लेकर मैंने कुंडी खोल दी। उसके बाद मैं व मेरा बड़ा बेटा सतनाम सिंह घर के आंगन में बैठ गए और थोड़ी देर बाद छोटा बेटा अजीत सिंह भी घर पर आ गया और उसने अपने आप रोटी गर्म करके खाना खाया और चारपाई पर लेटकर फोन चलाने लगा और थोड़ी देर में रात्रि करीब 12 बजे रात को बड़ा बेटा सतनाम सिंह अपने कमरे में गया और अपनी गन उठाकर अजीत सिंह के सिर पर दो गोलियां मार दी। अमरजीत कौर ने अपनी शिकायत में बताया कि इस हादसे को लेकर वह डर के मारे दौड़कर दूसरे मकान में रह रहे अपने पति प्रीतम सिंह के पास पहुंची और सारी बात बताई तो प्रीतम सिंह ने पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन किया और मौके पर थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी पहुंच गई और जिस पर प्रीतम सिंह व पड़ोसियों की सहायता से पुलिस की गाड़ी में अजीत सिंह को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने चेक करने के बाद अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। चंडी मंदिर थाना पुलिस के थाना प्रभारी ने बताया कि उपरोक्त घटनाक्रम का आरोपी सतनाम सिंह अभी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है व पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी सतनाम सिंह ने अपने भाई को गोली मारने के बाद सोशल मीडिया फेसबुक पर सत्तू मेहरा नामक अपने अकाउंट पर लाइव होकर उक्त घटनाक्रम को शेयर भी किया है। मैं अपने भाई नू गोली मार दी ओदे यो है ओदे मनु गवर्नमेंट फांसी वा टंग देवे कल नू फांसी वा टंग देवे ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਂਸੀ ਵਾ ਟੰਗ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗੀਰਥ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਾਦੀ? ਰਾਤ ਕਾ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋਏ ਸਤੂ ਮੇਰਾ ਆਈ ਡੀ ਸੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾ ਮੈਨੇ को मतलब गोली वगैरह मार दी जो भी है और इसका हमें सुबह पता लगा था कोई 8 बजे के आसपास ना। तो गोली किसने मारी है? सत्तू मेहरा नाम का लड़का है वो। अच्छा। उसने अपने यंगर ब्रदर को उससे। अच्छा। अजीत मेहरा तो डेथ वहीं होगी उसके ऑन द स्पॉट तो नहीं बताया क्योंकि जो साथ गए हैं उसके फ्रेंड भी हैं वो दोनों। अच्छा। कमल और भूप सिंह क्योंकि वो मालिक के पास फोन गया होगा उन्होंने अभी बताया जैसा कि तो उनके मालिक ने उनको भेजा भेजाओ देखते हैं कि कैसी कंडीशन है हॉस्पिटल जाए। तो जो उसके बाद रिवाल्वर थी वो कहाँ से आई? रिवाल्वर थी या गन थी ये तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ बाकी इतना सतनाम ने कई बार जिक्र किया कि उसके मामा जी ने उसको एक गन दिलवाई थी। अच्छा। और वह कहता उसके पास उसका लाइसेंस भी रहा होगा सिक्योरिटी के सिक्योरिटी गार्ड का संस्कार के लिए लेके आएगी। अब ये तो पता नहीं वो वहीं पे हैं उसके फ्रेंड्स जिनसे मैं कॉल कर रहा था वो घर फोन छोड़ गए हैं अदरवाइज वो बता देते अभी हॉस्पिटल में ऐसे वो आने वाले होंगे जैसे।